हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज अमेजिंग सा चॉकलेट आइसक्रीम बनाते हैं एकदम मार्केट स्टाइल में। तो जो भी हमें मिलता है अमूल आइसक्रीम, उससे भी बढ़िया बनेगा, उससे भी हमें घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगा, कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप देख ही रहे हो कितना क्रीमी क्रीमी और चॉकलेटी आइसक्रीम बन के रेडी हुआ है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है बॉयल होने के लिए, रख दिया है इसे पैन में। मोटे दले का पैन लेंगे तो और अच्छा है, तो नीचे से स्टिक नहीं होगा हमारा, जलेगा नहीं दूध। तो आधा लीटर दूध इसमें बॉईल आने देंगे हम। दूध हल्का गर्म होने पर हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, 3-4 बड़े चम्मच निकाल लेंगे दूध को एक बाउल में। हल्का गर्म रहना चाहिए दूध। इसमें हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे, इसलिए उसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 2-3 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर लिया है, इसमें हम गर्म दूध को डालेंगे हल्का और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, हल्का गर्म दूध होने पे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती और जल्दी से मिक्स हो जाता है। तो एकदम स्मूथली इसको मिक्स करेंगे हम। तो ये हमारा मिक्स रेडी हो गया, देखो कितना स्मूथली रहना चाहिए। तो हम इसे दूध में बॉईल आने पर डाल देंगे, तो चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो जो है गर्म दूध वो भी हम बाउल में डाल के इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से और दूध को चलाते रहेंगे अच्छे से। कॉर्नफ्लोर वाला दूध हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गुठली बन जाएगा कॉर्नफ्लोर डालने पे। तो कॉर्नफ्लोर को भी अलग से हम मिक्स कर लेंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके अलग से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया था, दूध में अच्छे से बॉयल भी आ गया है, हल्का सा दूध रिड्यूस भी हो गया है। अब इसमें हम वो दूध साइड में निकाला था वो डाल देंगे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है अच्छे से, तो वो मिक्स करते जाएंगे, एक बार चम्मच से चला के फिर डालेंगे इसमें। और डालते हुए हम कलछिल से चलाते भी रहेंगे दूध को, अदरवाइज़ से गुठलियाँ बन जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने पे वो अगर दूध गर्म हो तो गुठली सा बनने लगता है, जमने लगता है एक साइड में। तो हम इसको अच्छे से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो ये हमारा हॉट चॉकलेट ड्रिंक रेडी हुई हो गया है। तो इसको हमने आइसक्रीम मिक्स में मिलाना है, इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं हॉट चॉकलेट की तरह। इसमें बस थोड़ा सा हमें चॉकलेट डालना है हमें। तो मैंने 50 ग्राम चॉकलेट ले लिया है, कोई भी चॉकलेट आप इसमें डाल सकते हो, कैडबरी डेयरी मिल्क या डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो अभी यहाँ पे चीनी नहीं डाला था हमने, तो थोड़ा सा इसमें 2-2.5 चम्मच चीनी डालेंगे, बड़े चम्मच लेना है हमें टेबलस्पून। तो मैंने 3 टेबलस्पून से कम डाला है, थोड़ा सा 2.5 टेबलस्पून डाला है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए, क्योंकि हम इसमें चॉकलेट भी ऐड करेंगे, अगर आप चॉकलेट नहीं ऐड करने वाले हो तो आप 2-3 चम्मच डालना, अगर आप चॉकलेट ऐड कर रहे हो तो 2-2.5 चम्मच इज़ इनफ। तो थोड़ा सा मैंने चॉकलेट डाल दिया है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा डालना है हमें 2 चम्मच के अकॉर्डिंगली। आप थोड़ा सा ग्रेट करके डाल सकते हो या फिर ऐसे भी। अब हमें हमारा ड्रिंक रेडी है, बस हमें चॉकलेट मेल्ट होने तक इसे चलाना है, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए इस मिक्स में। तो इससे हमारा आइसक्रीम थोड़ा और चॉकलेटी लगेगा। इसमें चॉकलेट एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट एसेंस है तो आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो, तो वो भी इसका काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक अदर बाउल में हमारा चॉकलेट मिक्स रेडी है, उसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़े बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है, इसको अच्छे से बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपका क्रीम एकदम ठंडा होना चाहिए और क्रीम के नीचे भी आपको बर्फ़ रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा। तो जब भी हम क्रीम को बीट करेंगे, हमारा क्रीम एकदम ठंडा होना चाहिए। उसके बीट करने के 15 मिनट पहले आप फ्रीज़र में रख सकते हो या फ्रीज में तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं फ्रीज में ही रखा हुआ था, ये मैंने 2 दिन पहले से रखा हुआ है व्हिपिंग क्रीम। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको फ्लफ़ी होने तक हमें बीट करना है, 3-4 मिनट्स तक हमें बीट करना है। देखो हमारा क्रीम फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गया, तो एकदम ये डबल भी हो गया है क्वांटिटी में। तो थोड़ा देर और बीट करेंगे हम 2 मिनट, ताकि और फ्लफ़ी बन जाए, इससे हमारा चॉकलेट आइसक्रीम और क्रीमी क्रीमी बनेगा। तो इस व्हिपिंग क्रीम में मैंने एक्चुअली व्हिपिंग क्रीम पाउडर यूज़ किया है, तो इसमें ऑलरेडी वनीला एसेंस और शुगर पाउडर इंक्लूडेड है। अगर आपका व्हिपिंग क्रीम ले रहे हो आप, तो आप उसमें 1/2 कप शुगर पाउडर लेना है आपको और थोड़ा सा वनीला एसेंस या फिर चॉकलेट एसेंस है तो और बढ़िया है। तो आप चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हो तो आप चॉकलेट एसेंस डाल सकते हो। तो हमारा क्रीम व्हिप करके रेडी हो गया, हमारा व्हिपिंग क्रीम रेडी है। तो अब इसमें हमने जो चॉकलेट का मिक्स बनाया था तो ठंडा हो गया अच्छे से, उसको अच्छे से ठंडा होने देंगे फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो चॉकलेट का मिक्स हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसमें 1/2 कप शुगर पाउडर आपको डालना है व्हिपिंग क्रीम में, मेरे में ऑलरेडी इंक्लूडेड था इसलिए मैंने नहीं डाला, 1/2 कप से थोड़ा कम भी आप डाल सकते हो। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप टेस्ट करके अगर कम लगे तो और डाल सकते हो फिर बाद में।
अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चोको चिप्स है तो इसमें आप चोको चिप्स ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी चोको चिप्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने चॉकलेट को ही चोको चिप्स की तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो वो भी हमारा चोको चिप्स का ही काम करेंगे, क्योंकि हमें इसे मेल्ट तो करना नहीं है, हमें इसे फ्रीज करना है। तो चॉकलेट तो फ्रीज ही रहेगा तो वो चोको चिप्स की तरह ही क्रंच आएगा इसका। तो हमें इसमें चोको चिप्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप चॉकलेट ही इसमें डाल सकते हो या फिर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा मिक्स रेडी है। अब इसको हम, ये अराउंड 1 लीटर हो गया है, तो इसको हम एक एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़र में ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे, या फिर 6 से 8 घंटे के लिए आप सेट होने के लिए रख सकते हो। तो मैं इसे ओवरनाइट रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आइसक्रीम के ही डब्बे लिए हैं, एक 700, दोनों भी 750 ml के हैं। ये देखिए आप देख सकते हो, चॉकलेट आइसक्रीम का एक डब्बा है, तो ये पहले से पड़ा हुआ था मेरे पास, तो इसको ही वॉश कर लिया है। देखो 750 ml का है, तो ये अराउंड थोड़ा सा खाली ही रहता है जब हम चॉकलेट आइसक्रीम लाते हैं, तो ये थोड़ा सा बॉक्स खाली रहता है। तो इसको हम फिल करेंगे, और ऊपर तक नहीं फिल करेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे। ये देखो हमारा 750 ml आइसक्रीम रेडी हो गया, अभी भी बचा हुआ है। तो मेरे पास और एक बॉक्स है, उसमें भी मैं डालूँगी। ये देखिए हमारा एक और बॉक्स है, सेम साइज़ के हैं दोनों भी, तो इसमें भी मैं फिल करूँगी। इसमें हाफ के अकॉर्डिंगली हो गया है फिल, तो नीचे का चॉकलेट है जो वो नीचे बैठ गया था, तो वो मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी ताकि दोनों में आ जाए। तो एक 750 ml का हो गया है हमारा, और एक अराउंड 250 से ज़्यादा ही होगा, बट 250 समझ लेंगे। तो दोनों मिला के हमारा 1 लीटर आइसक्रीम रेडी हो गया है। दोनों को हम फ्रीज़ कर लेंगे अच्छे से। आप इसमें पॉलीथीन भी लगा सकते हो अगर एड, तो थोड़ा सा मैंने ग्रेटेड चॉकलेट ऊपर से और ऐड कर दिया ताकि देखने में भी अच्छा लगे ये, और खाने में भी बहुत ही चॉकलेटी चॉकलेटी, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग आइसक्रीम है और बहुत ही ईजी है बनाना, देखा ना आपने। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप चॉकलेट मिक्स जो हमने बनाया था, चॉकलेट ड्रिंक, उसको भी जमा सकते हो, वो भी आपका चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो आता है उसकी तरह ही टेस्ट आएगा। तो मैंने ऑलरेडी उसकी रेसिपी शेयर की, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो ये दोनों मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए। ये देखिए आइसक्रीम फ्रीज हो चुके हैं, वाओ कितना अच्छा जमा है, एकदम अच्छे से जम गया है, दोनों भी हमारे रेडी हो गए। तो हम इसको आइसक्रीम बाउल में निकाल लेंगे और सर्व करते हैं। बहुत ही अमेजिंग आइसक्रीम बना है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा, एक्चुअली दो दिन से ये फ्रीज़र में पड़े थे, बारिश हो रही थी, कोई भी नहीं खा रहा था आइसक्रीम, तो थोड़ा जल्दी नहीं निकल रहा, अदरवाइज़ बहुत ही क्रीमी बना है, टेस्ट में इतना अच्छा था कि पूछो ही मत। तो आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़ भी डालती हूँ, आप उसको देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ होते हैं उसमें। तो ये देखिए सर्व करते हैं, और इसको स्पेशल बनाने के लिए ऊपर से आप चोको चिप्स डाल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास चोको चिप नहीं है, तो मैंने हर्शीज सिरप से इसको गार्निश कर दिया। कितना तो लग रहा है ना, एकदम अमेजिंग। तो आप ये फटाफट से ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करना अगर आपने बनाया है और आपका अच्छा बना है, तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट आइडिया के साथ। मैं नेक्स्ट ओरियो कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम का रेसिपी डालने वाली हूँ, तो बने रहना मेरे चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय बाय।